बड़ी शादी है, निकी बड़ी की शादी है। फरमाया कि जरा जुलम टैक्स लेता है, उस जुलम टैक्स लेने वाले की इस बात को उस वक्त तक बख्शिश नहीं होगी जब तक अपने गुनाह को हमेशा वास्ते तौबा नहीं कर लेगा। और फिर फरमाया कि सुनते यानी पुलिस वाले, वो पुलिस वाले जेने जुलम करते हैं, जेने मकरूह के गुनाह के नाल ज्यादतियां करते हैं, आपने क्या मदिया निशानियां बयान करवा लिया, आपने इशार करवाया कि क्या मदिया निशानियां ने दो निशानियां यह हैं कि क्यामत के वेले औरत लिबास के बावजूद नंगियां उड़ गई, औरत लिबास के बावजूद नंगियां उड़ गई। लिबास यह होता कि जिन्हों लिबास क्या नहीं जा सकता, मर्द के लिबास यह होते, औरत के लिबास यह होते, जेड़े जिसम के नाल चुके पता नहीं पाज पाया नहीं कि नहीं। तो मेरे आका ने कलाम ने फरमाया कि कयामत की निशानियां लिखी हुई, एक निशानी यह है कि औरतां लिबास के बावजूद नंगियां हो गईं। मेरे आका ने सलाम ने फरमाया कुछ निशानी यह है कि कयामत के वेले सुनते हो गए सुनते पूरे साल फरमाया उन्होंने हथां दे विच गाये दी डोम दी तरह जानवरां दी जिहड़ी लंबी डोम होंदी है, फरमाया और उन्होंने झंडिया के नाल वो शुद्ध जड़े ने वो गरीब जनियाते मशकीन सोमना के उत्ते जुलम कर जे तगड़े हो गए उन्होंने 50 रुपये के स्थान से लंदन पहुंचा दिया। माड़ा जरा होगा वो अगर छोटी छोटी जी गलती करेगा बस एक बार फैला गया जनाब वो संगत सारी जिंदगी वास्ते बंद खत्म होगी जिंदगी, लेकिन तगड़ा होगा लोगी पैसा बेच के आज का पैसा बेच के अपनी राय बदल जाए, आज का पैसा बेच के अपना फैसला बदल जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बयान फरमाइया, आपने फरमाया क़यामत की निशानियां जो कि एक निशानी यह भी है कि क़यामत के वेले फैसले निकल गए, फैसले निकल गए। बंदा आया उन्हें आखिर जनाब मैं चोरी की, एक बंदा आया उन्हें आखिर जनाब मैं फलकारी की थी, एक बंदा आया उन्हें आखिर जनाब पुराने की जमीन से कब्जा किए, एक बंदा आया उन्हें आखिर जनाब मैं कदम किया। किन्नी फीस लोगे परी कराने की, किन्नी फीस लोगे? हालांकि मेरा बंदा आके बेचारे जुर्म कर रहा है कि मैं ये जुर्म करके आ रहा हूं, उन्होंने की चाहिए सी करना चाहिए पटेल बनना चाहिए, लेकिन उन्हें आखिर जी किन्नी फीस लोगे परी कराने की? पैसा दिता पैसा आपने हाथ में करा लिया, ये तो मामी की गल ना समझो कि मेरे आका जी सलात सलाम ने क़यामत की निशानियां दे विच एक निशानी लिया दी है। पैसा दियो जिथे मर्जी तुम करा, पैसा दियो जिथे मर्जी कब्जे करा,
और फिर फरमाया कि चौथे नंबर पे वो बंदा जो साज का गाना है, साज खटकाना है, जो खटकाना हो या सुनाना हो या जो भी हो, मौला अली सरकार के पास कई बंदे अपने शिकार करते रहते हैं, कई इनका साज आराम है, ये इनका आराम है, मौला अली सरकार के पास भी नहीं जाके आए हुए हैं, भाई इनका साज सुनेगा तो फिर उसकी बख्शिश हो जाएगी, फरमाया कि मेरा सांस बचाओ रहा है।